नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखान। आज मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा और जो लोग YouTube में मेरा समाचार या देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उन सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, स्नेह और श्रद्धा यथोचित। पहले ही एक बात बोल दूं, 80% चंद्रमा से देखें और 20% लग्न से देखें। 0 से 20% लग्न से देखें और 0 से 80% चंद्रमा से देखें। ये रेंज है गोचर का। गोचर यदि किसी का जन्म इसी समय हो जाता है तो वही गोचर लग्न हो गया, उसका लग्न कुंडली बन गया, तो बहुत फर्क नहीं होता है, लेकिन दैनंदिनी के हिसाब से फर्क पड़ता है। जैसे गुरु अभी आए 8वें, तो ही विल बी इफेक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। और गुरु की दृष्टियां होती हैं 3, 10, 25 पैसे, 5, 7, 9, 100 पैसे, 4, 8, 75 पैसे। अब इसमें भी नक्षत्र का भेद प्रभेद होता है, तो रिजल्ट्स इतने सारे मिलते हैं कि आपको रोज थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। कारण कि चंद्रमा रोज बदलते हैं और नक्षत्र का भोग करते हैं। सूरज जिस नक्षत्र में रहते हैं उसको बड़का नक्षत्र बोलते हैं देहाती भाषा में। 1 डिग्री सूरज आगे चलते हैं तो 13-14 दिन लगता है एक नक्षत्र को भोग करने में सूरज को, तो उसको बोलते हैं बड़का नक्षत्र है। और चंद्रमा को 2.25 दिन लगता है तो हम लोग बोलते हैं चंद्रमा का छोटा नक्षत्र होता है, छोटका नक्षत्र है। तो छोटका नक्षत्र होने के कारण हर 24 घंटे में रिजल्ट वेरी करेगा। एक नक्षत्र 24 घंटा रहता है, भोग करता है। जैसे एक तिथि लगभग 24 घंटा भोग करते हैं, नक्षत्र भी 24 घंटा का भोग करता है। तो गोचर का रिजल्ट हर घंटे बदल सकता है, यही जानने की तो चीज है, यही तो सारे सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ है। यदि मैं अभी क्या हो रहा है, 1 घंटे में क्या होगा, आधे घंटे में क्या होगा, ये ना बता सकूं तो 1 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, बड़े इट इज ए बकवास, ये बकवास है, खड़ा खड़ा बकवास है। तो ऐसी ऐसी भविष्यवाणी हो जाती है कि जजमान का तो हालत खराब हो जाता है और जेब काट करके जेब कतरे के ऐसा पंडित जी लोग पैसा निकाल लेते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी है, इट इज एस्ट्रोनॉमी से डिराइव होकर के एस्ट्रोलॉजी हुआ है, तो बड़ी चीज है। पहले ईश्वर ने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी से पुनः ईश्वर, गोल चक्कर है ये, तभी आप किसी चीज को कोरिलेट करोगे। पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सेस पर, सब कुछ घूम रहा है। इस चलंत इस दुनिया में एक एक क्षण में रिजल्ट बदलता है। जैसे मैंने कहा था कि उत्तर में अभी झंझट रुका नहीं है, एक एक्सीडेंट हो गया पंजाब वाला, फिर उधर कहीं और भगदड़ हो गई वाहन के जरिए। शुक्र को वाहन बोलते हैं और शुक्र के साथ सूरज होता है। अभी है सूरज, अभी सूरज कुछ दिन तक तो है इसमें, तो जब तक 17 तारीख नहीं आ जाता है, 16 तारीख तक नहीं आ जाता है, तब तक तो अभी बर्निंग ट्रेन भी होना बाकी है, भगवान ना करे, मतलब वाहन में आग लगना, चाहे वो हवाई जहाज में हो, चाहे रेलगाड़ी में हो, चाहे कार्स में हो, ये भी होना बाकी है। और सूरज नीच हो गए तो आसमान से भी कुछ गिरना बाकी है।
भगवान करे मेरी हर बात झूठी हो जाए, बट एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट ए साइंस ऑफ इंडिकेशन. इट इज ए साइंस ऑफ इंडिकेशन. अष्टम भाव में तीन चार पापक ग्रह आ गए, इट इज ए इंडिकेशन दैट योर हेल्थ विल डिटेरिएट एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर यू कैन डाई. सो इट इज ए इंडिकेशन, इट इज नॉट दैट यू आर डाइंग टूडे. जिस दिन आपने कुंडली देख लिया बस उसी दिन वो आपका यजमान मर रहा है, ये बात नहीं है. 40-42 प्रकार के दशाएं होती हैं, सारे दशाओं को पढ़ना पड़ेगा आपको. हर दशा से निकाल के देखिए कि इनकी मृत्यु कब होगी. उड्डई सिद्धा विषोत्री दशा को सिद्ध माना गया है, तो विषोत्री दशा को जरूर सिद्ध कीजिए. मार्केस, महामार्केस, साधारण मार्केस, बहुत सारा चीज सब मिला करके तब देखिए. तो गुरु कुंभ में आए, अब मिलता हो ना मिलता हो मुझे तो वही बोलना है जो सही दिखता है. कुंभ राशि वालों को मैं पहले से बोल रहा हूं कि जब तक 2020 है, जनवरी 23 जनवरी तक, कुंभ राशि वाले ढोल ढाक पीट करके आराम से जश्न मनाओ. और अभी गुरु भी आ गए, कहां 8 नंबर में, तो गुरु की जो तीसरी दृष्टि होगी वो भी तो 10 नंबर में पड़ेगी. तो वन मोर फीदर इन योर कैप, एक और उपलब्धि होगी, यह मैं बना देता हूं आपको. कुंभ राशि का मतलब होता है 11 नंबर. आपके कुंडली में कवर पेज में सामने में जो आप कंप्यूटर से निकालते हैं उसमें आप देखिए आपका लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ है 11 नंबर में. टेन डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड, मैंने 10 के बाद यदि चंद्रमा का डिग्री है, राशि 10 और डिग्री प्लस, तो आपका कुंभ राशि है. ये 10 है और ये 11, तो 10 राशि बीत गया खत्म हो जाएगा तभी ना 11 आएगा. तो पंचांग में आपको, आप यदि पंचांग देखना चाहते हैं तो चंद्रमा जो होगा 10 राशि और अगले 30 डिग्री के में कहीं भी होंगे. तो इस 11 नंबर में आपका चंद्रमा है, तो आपका कुंभ राशि है. 11 नंबर में चंद्रमा है तो आपका कुंभ राशि है. अब 9 नंबर, यहां 9 नंबर में शनि है, 12 नंबर यहां एक, लोग बोलते हैं कि मिश्रा जी इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दीजिए. इंग्लिश में तो बोल देता हूं, ये लिखता नहीं हूं मैं जानबूझ करके. अरे क्या है, 1 2 3 4 5 की जगह में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना अंक का तो हिंदी सीख लो, चाहे आप अमेरिका में हो चाहे फ्रांस में हो कहीं पर भी हो, इतना न्यूमेरिकल नंबर्स तो सीख ही सकते हो, तो वो सीख लीजिए. ये जरूरी है आपको जानना. आप थोड़ा बहुत तो शिक्षा तो किसी न किसी रूप में आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा है एजुकेशन. गूगल में भी मैं लिखा कि क्या चीज है, तो मैं लिखा हूं एजुकेशन. तो ओम में ऊपर लिखूं नीचे में 11, नीचे चंद्रमा, तो 11 नंबर की आपकी राशि हुई. 2 3 4 यहां राहु है,
बड़े ग्रहों की भूमिका है, पांच छह सात में सूरज है आकाश में अभी, और यहीं पर शुक्र है एक जनवरी तक, क्योंकि इसकी भूमिका अभी हो जा रही है तात्कालिक भी, इसी वृश्चिक राशि के अंदर में सूरज नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, और ये आठ तो यहां गुरु, दस में यहां मंगल है, छह नवंबर तक है, बदल जाएंगे, लेकिन रिजल्ट इसके अभी भयानक है, बहुत भयानक रिजल्ट है, तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत ही हो जाएगा ये, इसलिए इसको लिख रहा हूं, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं लिख रहा हूं। तो बड़े ग्रहों में राहु, केतु, शनि, गुरु है, और सूरज को भी, मंगल को भी हमने शामिल कर लिया है। तो पहला, अच्छा देखिए, इधर मैंने लिखा है ये जो पोर्शन है ये है वेद का, जैसे गुरु यदि दूसरे भाव में हो, चंद्रमा से तो है नहीं, तो कहीं पर भी गुरु से दस नंबर ऊपर में नहीं है, चंद्रमा से गुरु दस, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, सिक्स्थ जोन, सेवंथ जोन, एट्थ जोन, नाइन्थ जोन, टेंथ जोन, तो चंद्रमा से दस में तो कहीं नहीं है ऊपर में, ऊपर वाला देख लीजिए। सो चंद्रमा से गुरु शुभ पोजीशन में नहीं है, मैंने कल भी बतलाया था कि पहले आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि आपका गुरु आपके लग्न के लिए, आपके राशि के लिए शुभ है या नहीं है, बाय क्लासिफिकेशन ऑनरशिप के हिसाब से, दूसरा नक्षत्र के हिसाब से, ऑनरशिप ऑफ स्थिर नक्षत्र, ये दो के जरिए कम से कम आप देख लीजिए। तो कुंभ राशियों के लिए टेंथ हाउस में गुरु आ गए, और कुंभ राशि वालों के लिए गुरु ऐसे भी खराब ग्रह होता है, गुरु का होता है 9 और 12, तो 9 तो आ गया यहां 11th हाउस में, 11th हाउस को लोग बोलते हैं लाभ, लेकिन ये उपचय स्थान होता है, बड़ा से बड़ा राजयोग, महा अधिराज, बड़ा से बड़ा राजयोग लगा हो और यदि 11th लॉर्ड उसमें जुट गया, खत्म, जीरो, क्रोर्स मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, तो 11th लॉर्ड इज जीरो का काम करता है, ये एस्ट्रोलॉजी का बड़ा टिप्स दे रहा हूं आपको, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए, गुरुवर आप लोगों के लिए नहीं है ये। तो ये 11th लॉर्ड होने के कारण ये खराब हो गया, बच्चा 12, ये सेकंड हाउस है, ये सेकेंड हाउस को मार्केस भी बोलते हैं, तो ये भी कट गया। तो गुरु हर हाल में कुंभ राशि वालों के लिए अशुभ प्लैनेट है, ये जान लीजिए। अब यदि ये आपके अच्छे नक्षत्र में है तो उसकी कुछ कीमत बढ़ गई, अच्छे दृष्टि पड़ रही है, और भी आपके कुंडली में जो ग्रह हो, मान यहां पर कोई अच्छे और ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, तो ये देखेंगे इसको, तो सूरज के नजदीक ही रहते हैं शुक्र और बुध, लेकिन आपके कुंडली में मान लें यहां पर सूरज बुध है, यहां की बात मत देखिए, आपके कुंडली में सूरज बुध यहां पर हैं, मान लिया सूरज है, बुध है, शुक्र है, तो ये गुरु बलि हो गया यहां पर, कुंभ राशि वालों के लिए भी बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं एस्ट्रोलॉजी में तर्क बहुत जरूरी है, तर्क, क्लासिफिकेशन और आपकी निगाहें एक साथ वर्ग कुंडली में षोडश वर्ग, जन्म कुंडली में नवांश कुंडली में नक्षत्र कुंडली में एक साथ आपकी निगाहें सब पर होनी चाहिए, तब आप थोड़ा थोड़ा इससे उससे लेकर के एक लड्डू बनाओगे आप।
नहीं तो नहीं होगा। तो कुंभ राशि में गुरु खराब ग्रह होते हैं, इट इज अ बैड प्लैनेट। तो स्थान हानि करो गुरु, पहला डिक्टम। स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो गुरु। तो स्थान हानि क्या करेगा, ये चंद्रमा से ये टेंथ हाउस है, तो ये जॉब का घर है, ये कर्म का घर है, तो ये कर्म का नाश करेंगे, जॉब का नाश करेंगे, बिजनेस का नाश करेंगे कुंभ राशि वाले। यदि आपके गुरु में दम है, अष्टक वर्ग में दम है, नक्षत्र के हिसाब से अच्छे हैं, तो ये हानि नहीं करेंगे, थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, इरिटेशन दे सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं, नहीं तो ये विच्छेद करा सकता है, आपको नौकरी से अलग कर सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं और तैश में हो कि हम आई एम दी वेरी इंटेलिजेंट गाय, हमसे दूसरा तो है ही नहीं, वो इडियट है, बॉस उसका चमचागिरी करता रहता है बॉस का, इसलिए उसका प्रमोशन हो रहा है, दिस इज बैड प्लेस, आई वॉन्ट वर्क हियर, ब्लडी इडियट्स के बीच में पड़ा हूँ, यदि ऐसा आप सोच रहे हो ना, तो आप गए गड्ढे में, गया भैंस पानी में, नहीं निकलेगा। ऐसा मत करो बॉस, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मान लो, कीमती बात है, फिर धोखे में आ जाओगे तो आ जाओगे। रोज एक दो केस आता रहता है मेरे पास, लोग आते रहते हैं, यही यही आधा यही है यंग छोकड़ों का। आई एम द राजेंद्र बाबू, अपने नाम के आगे द लिखे था, आई एम द राजेंद्र प्रसाद, रॉन्ग मार्क्स दिए थे इंग्लिश टीचरों ने, तो तब उन्होंने उठ के कहा था कि आई एम द राजेंद्र प्रसाद, आई वॉन्ट टू सी माई, और उसी में लिखा हुआ था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। सो वो अभिमान मत करना, नहीं तो गए, तो कर्म क्षेत्र में बुरा हो जाएगा। अब ये कर्म है, कर्म को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है, धर्म कर्म शब्द है, धर्म और कर्म, तो धर्म का कर्म। तो जो लोग साधु सन्यासी महात्मा ऋषि मुनि ज्योतिष वगैरह वगैरह हैं, मैं भी उसमें हूं, तो आप ये समझ लो कि आपसे गलती होने के चांस हैं 80%। मैंने कहा चंद्रमा से 80%, 80% तक है कि आपके कर्म गलत हो जाएं, आपके आपकी बताई हुई राह गलत हो जाए, आपकी शिक्षा गलत हो जाए, आपके उपदेश गलत हो जाए, आपका अध्यात्म जो दूसरे को दे रहे हो गलत हो जाए, आपका अपना अध्याय तो गलत है। और ये वृश्चिक राशि का है, ये फिक्स साइन है बॉस, यदि फिक्स साइन है और आप कुछ इसमें गलत चीज सीख लिए, जैसे आदमी लोग दो चार किताब पढ़ करके सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी आ गई बस, और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यदि इतना ही तक आप कर लिए हो, कुछ बच्चों ने पढ़ा कि मैंने पढ़ लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लिया बस हो गया, और हमको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, गए काम से आप, तो बच्चे थोड़े सावधान रहिए। और जो लोग जबरदस्ती बिना कुंडली मिलाए शादी कर लिए, ये भी कर्म है ना शादी करना, और अभिमान बस यदि ऐसा कर रहे हो तो आपका भी डूब गए हो खानदान के साथ, आपके माता पिता बाल बच्चे सभी लोग रोएंगे। तो स्थान हानि करो गुरु में कुंभ राशि वालों के लिए, कर्म में आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी तभी आप सफल होगे, चाहे आप किसी लेवल में हो, किसान से लेकर के आप महान हो, तो सो दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू, मेरी इस बात पर ध्यान रखिए। और यह है उत्तर दिशा, तो जो बच्चे दिल्ली और BHU या उत्तर अपने घर से उत्तर पढ़ने के लिए निकल रहे होंगे, तो श्रीमान जी बच्चे हैं तो बच्चे बने रहिए, बड़े मत बनिए, बाप मत बनिए आप, बच्चे रहिए तो बच्चे ही रहिए और पढ़िए अध्ययन कीजिए। यदि उत्तर में जा रहे हो तो 100% चांस है कि आप डिरेल हो जाओगे, सेमेस्टर वाइज भी आपको मार्क्स कम आएगा, एक आध ब्लॉक
लग जाएगा बैकलॉग। कुंभ राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। इसके बाद यहां से जो तीसरी दृष्टि होगी, इसमें ये 25 पैसा प्लस ये दृष्टि यहां आएगी। तीसरी दृष्टि को भी दुखद बोलते हैं, ट्रबल्स। तो क्या ट्रबल? ट्रबल टू रैंक, पोजीशन एंड स्टेटस। तो आपकी मर्यादा की हानि, आप एक सीढ़ी दो सीढ़ी नीचे गिर सकते हो, डिफेम हो सकते हो, पोजीशन आपकी बदल सकती है। आप यदि इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग टिस्को में काम करते हैं और बड़े अफसर हैं और अपने को सोच रहे हैं कि आई एम द बॉस, मैं ही सब हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो आपकी भी स्थिति खराब हो जाएगी। घमंड मत कीजिए, रावण का घमंड तो टिका नहीं। तो आपका भी रैंक गिर जाएगा, पोजीशन गिर जाएगा, स्थिति खराब हो जाएगी। कुंभ राशि वाले जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं सबों के और जूनियर ऑफिसर हैं सबों की बात बोल रहा हूं। सो ट्रेवल्स टू रैंक, पोजीशन एंड पावर, और आपको फेंक दिया जा सकता है दक्षिण दिशा, साउथ में अनइम्पॉर्टेंट पोस्ट दे करके, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अपने को संयत करके रखिए, अभिमान मत दिखाए। अभिमान तो हमेशा बुरा होता है, अभिमान से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रंश होने से विवेक नष्ट होता है, विवेक नष्ट होने से ज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान समाप्त होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध की उत्पत्ति होती है तो पाप होता है, और पाप होता है तो आत्मा का विनाश हो जाता है। एक स्टेप बाई एक स्टेप एक चेन बना हुआ है। सो अहम मत कीजिए, रावण का अहम नहीं चला, मेघनाथ का अहम नहीं चला, हम और आप किस गली में हैं? थोड़ा आप ज्यादा पढ़े हैं हमसे, थोड़ा ज्यादा पावर आप रखे होंगे अपने हाथों में, कोई आदमी आपसे थोड़ा कम है, किसी को अपमानित मत कीजिए। कौन? कुंभ राशि वाले लोग। टेक केयर। और चूंकि यहां पर मंगल है और केतु है, पहले से मौजूद है, केतु अभी मार्च तक रहेंगे, 9 मार्च तक, और मंगल यहां पर ये निकल जाएंगे, 6 तारीख को निकल जाएंगे, 6 नवंबर को ये निकल जाएंगे, 6 नवंबर से, 6 नवंबर से मंगल आ जाएंगे यहां। लेकिन 6 तारीख तो है, क्षण में प्रलय हो सकता है। तो मैंने कहा कि जो लोग लंबी जर्नी पर हैं, एयर जर्नी पर हैं, फ्रीक्वेंट जर्नी करते हैं, थोड़ा सा समझिए, ठीक है, पंडित जी पर विश्वास नहीं है आपको, थोड़ा उनसे यात्रा तो दिखा लीजिए कि ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस डेट पर आप जर्नी कर रहे हो, इतना तो देख लो क्या क्या आता जाता है। भारतीय संस्कृति है, कुछ तो मिल जाएगा लाभ आपको। तो अभी फिलहाल मंगल है यहां, तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि जो होती है ना, हमने कहा कि चौथी दृष्टि 80% होती है, चौथी फोर्थ एंड एट्थ दृष्टि इज इक्वल टू 75%, 80% बोल देता हूं, 75%। तो यहां पर गुरु का 75% स्ट्रेंथ रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि से ये इसमें अभी 100 पैसा बल है लग्न में। गुरु यहां आए तो ये इस 100 पैसा में, ये जो 100 पैसा है इसमें 75 पैसा और ऐड किए गुरु,
तो 1.75 पैसा यहां पर आया। और त्रिकोण में जो ग्रह रहते हैं उनकी दृष्टि यहां पड़ती है लग्न पर, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र की 100 पैसा, सूरज की 100 पैसा और 150 पैसा पहले से, 175% पहले से। तो कुंभ राशि वाले, यदि आप कायदे से जी रहे हो, गुरु यद्यपि आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है, ब्राह्मण आपके दोस्त नहीं हो सकते, ब्राह्मण आपके पार्टनर नहीं हो सकते, आप स्कूल में भी, कुंभ राशि वाले नोट कर लो, आप स्कूल में भी जो विषय पढ़ते हो और उस विषय के टीचर ब्राह्मण रहे हो, ब्राह्मण टीचर रहे होंगे, जाति के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, तो उस विषय में आपको नंबर नहीं आता होगा, कम आता होगा, या वो विषय आप समझते नहीं होगे, या मान लिया आप उस विषय के मास्टर हो, तो जब आपकी कॉपी इवेल्युएट होती होगी ना, तो उसमें टोटलिंग मिस्टेक होकर के आपको मार्क्स कम आ जाता होगा। जेन केन प्रकार है ना, ब्राह्मण सूट नहीं करेंगे आपको जाति से, और इंटेलेक्चुअल भी आपको सूट नहीं करेंगे। यदि जाति बोलना अभी अपराध है तो उसको इंटेलेक्चुअल बोल लेता हूं, तो इंटेलेक्चुअल भी आपको नहीं सूट करेंगे। तो गुरु को आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नो वेदर जुपिटर इज इन योर फेवर और अगेंस्ट है, ये आपको जानना जरूरी है। पहला ये जानिए, तब इसका रिजल्ट इसमें ऐड कीजिए 0 से 80%। फिर भी मोटा मोटी मैं ये कहता हूं कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख बिकता है। इतने ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, 200 और एक 300 और 375% यहां पर दृष्टि का योगायोग हो रहा है, तो थोड़ी सी भी गुरु की यदि 25 पैसा भी दृष्टि का फल मिल जाएगा तो बहुत मिल जाएगा आपको। एक कहावत है ना कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख में बिकता है, तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। और यहां से गुरु 1, 2, 3, 4, 5 यहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो 100 पैसे की दृष्टि पड़ेगी 5 में, तो 100 पैसे की दृष्टि पड़ने से ये जो जगह है ये आपका बैंक है, दिस इज योर बैंक। तो गुरु आपके बैंक को बढ़ा रहे हैं, आपके धन को बढ़ा रहे हैं, आपकी बोली को लंबा कर रहे हैं। आप लंबा लंबा फेंकोगे, लंबा लंबा बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं लंबा लंबा बात, तो आपकी बोली भी लोगों को सुनने के लायक नहीं होगा। लंबी लंबी फेंकोगे, लोग बोलेगा देखो क्या लंबा हाँक रहा है, हैसियत तो कुछ नहीं है, बहुत लंबा लंबा हाँक रहा है। कुछ लोग मेरे बारे में भी सोच रहे होंगे तो आश्चर्य की बात नहीं है, कारण कि ये स्थिति है। हालांकि मेरा मकर नहीं है, मकर है, कुंभ नहीं है, तो ये गुरु आपको धन देंगे ये तो तय है। बोली आपकी बहुत होगी, अधिक बोलने के कारण आपको हानि होगी। देखिए इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अधिक बोलने के कारण आपको हानि होगी, उत्तर दिशा में हानि होगी। व्यापारी लोग, यदि आप वृश्चिक राशि के, सॉरी कुंभ राशि के हैं और ब्राह्मण आपका मैनेजर है, फाइनेंस देखता है, तो चोरी कर लेगा। माफी मांग के बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग होंगे इस जद में, वो धोखा दे देगा आपको। और यदि आप पार्टनर बना लेते हो कुंभ राशि वाले किसी ब्राह्मण को, तो डूब गई नैया। तो बहुत सारे कैसे पार्टनर बनाया जाता है पिछले दिन हमने बताया था आपको। तो अब यहां से ये बहुत कुछ देगा लेकिन कुछ लेगा भी आपका। यहां पर पूरा शुभ नहीं है, थोड़ा शुभ है। स्थान हानि करो गुरु के हिसाब से और क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी गुरु ठीक नहीं है, तो यहां पर भी इनकी बुरी दृष्टि होगी। आपके परिवार में भी कुछ अशुभ घटनाएं घट जाएंगी। सेकंड हाउस परिवार को बोलते हैं, कुटुंब को बोलते हैं, कुटुंब में भी कुछ घटनाएं
असंतोषजनक घट जाएगी। अब यहां से सेवंथ हाउस में चलते हैं, यहां से इनकी दृष्टि पड़ेगी सेवंथ हाउस में, और ये भी 100 पैसे वाली दृष्टि पड़ेगी, और वृषभ राशि है तो स्थिर राशि का गुरु स्थिर राशि पर अपनी दृष्टि डालेगा, सातवीं दृष्टि डालेगा। और ये फोर्थ हाउस है सुख का, कॉलेज की शिक्षा का और आपकी माता जी का, तो इस तीनों में वृद्धि होगी। माता जी के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, रुतबा में वृद्धि होगी, मर्यादा में वृद्धि होगी, उनके ज्ञान की वृद्धि होगी, उनके धर्म की वृद्धि होगी, और सुख आपका बढ़ेगा, भौतिक सुख, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान घर जो भी होता है, जो भौतिक सुख है, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता, जो भी सुख भौतिक है इस जगत में जिसको आप सुख समझते हैं, यद्यपि ये सारी चीजें जिसको हम मैं सुख बोल रहा हूं वो दुख का कारण होता है। माता जी आपकी बहुत अच्छी हैं, आप माता जी को अपमान करो, माता जी को पीड़ा हो गई तो अभिशाप में बदल जाएगा, सजा मिलेगी आपको, अब छुटोगे नहीं। तो इसलिए कहा कि भौतिक सुख जितना है उसके अंदर में दुख छुपा रहता है, जैसे खजाने की रक्षा सांप करता है, कहानी में भी पढ़े हम लोग, खजाना था तो उसकी रक्षा एक कोबरा सांप करता था, तो खजाना में तो धन है, धन में सांप है, तो जितने सुख हैं वो दुख का कारक है, लेकिन इतना तय है कि आपको सुख देने के लिए गुरु कुछ न कुछ तो उपाय करेंगे जिससे आपकी आत्मा शांति पे आ जाएगी। तो माता जी को सुख मिलेगा, जिसको घर नहीं है, जिनका अपना घर अभी तक नहीं बना है, तो इस 11-11.5 महीने में आपका घर हो सकता है, आप घर खरीद सकते हो, आप फ्लैट खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, जो एकदम निर्धन है टूटी फूटी मड़िया में रहते हैं वे थोड़े अच्छे घर में ट्रांसफर होकर के चले जाएंगे, तो सुख मिलेगा, गृह सुख भी मिलेगा, माता का भी सुख मिलेगा, और जो लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉलेज की, स्कूल की बात नहीं बोलो, जो लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे जो बच्चे, यस यू विल डू बेटर, मैंने बहुत बढ़िया नहीं कहा, मैंने कहा यू विल डू बेटर, कारण गुरु तो बेसिकली अशुभ है तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो थोड़ा सा चेष्टा करोगे तो इस 1 साल के भीतर में, 11.5 महीने के भीतर में यू विल डू बेटर इन कॉलेज ऑल्सो। और ये दृष्टि गुरु की यहां से, ये सातवीं दृष्टि है, आठवीं दृष्टि में 75% है प्लस, 75% है यहां, और ये फिफ्थ हाउस है, ये आपका संतान है, आपका बेटा है, बेटा बेटी जो बोल लीजिए, यहां पर 3 नंबर है, मिथुन है तो बेटी को ज्यादा इंडिकेशन कर रहा है, तो जिनकी बेटियां हैं और हायर एजुकेशन कर रही हैं, यदि इत्तेफाक से लॉ पढ़ रही होंगी, संविधान पढ़ रही होंगी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही होंगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही होंगी, टॉप क्लास है आपका। और जो लोग अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं, भगवान के प्रति माता की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो माता आपकी माता है, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे काली माँ हो, चाहे सरस्वती माता हो, ए फीमेल डेटी, यस यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, और कुछ नहीं मिलेगा तो सपने में तो आप भगवान देखोगे ही, निश्चित रूप से देखोगे। सो ये 11.5 महीना आपके कुंभ राशि वालों के लिए आपका वरदान है, जिनकी माता जी स्वर्गीय हो गई है, वसु रुद्र आदित्य रूप में उन जिनकी माता जी हैं, वसु और रुद्र ही होंगी, आदित्य स्वरूप में नहीं होंगी, तो आपकी माता जी इस 11.5 महीने में सपने में आपसे आएंगी और बात करेंगी। आप चतुर सुजान हो तो आप समझ पाओगे कि माता क्या बोल रहे हैं, इशारे से ही बोलते हैं, सपना बहुत अस्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है 24-30 सेकंड से ज्यादा नहीं होता, तो उतने क्षण में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कितना 75 पैसा मिल जाएगा सुख। और यहां से 7-8-9 इस घर में फिर 100 पैसा दृष्टि है और गुरु खराब है तो आपके शत्रु मर गए, शत्रु को खराब कर देंगे, नष्ट कर देंगे,
सो यू आर द विनर. कोर्ट केस चल रहा हो, किसी से युद्ध चल रहा है, लंबी लड़ाई चले आ रही है, कोई प्लॉट पर बहुत झंझट चल रहा है, तालाब का जगह है, पोखरा का जगह है, नहर के आसपास का जगह है, पानी के आसपास का जगह है, और उस जगह में कहीं झंझट पड़ा हुआ है, यू आर द विनर, आप जीतोगे और आपके रोग भी हटेंगे और आपके मामा जी की वृद्धि होगी. थोड़ा उनका थोड़ा पुराने होंगे तो कार्डियक प्रॉब्लम होगा उनको, लेकिन उनकी वृद्धि भी हो सकती है और अच्छी वृद्धि होगी. मामा जी के बारे में बोल रहा हूं, एक खास यहां लिखा हुआ है मामा जी. और राहु है, यद्यपि शुभ राहु है तो थोड़ा बहुत हो सकता है इन्फेक्शन के जरिए, पानी के जरिए आपके स्वास्थ्य में भी कमी आ सकती है. तो ये गुरु का गोचर के हिसाब से हमने जितना था आपको कुंभ राशि वालों को बता दिया. यू आर लक्की एंड गुरु जब आ गए यहाँ तो यू बिकम वेरी लक्की. ओनली थिंग यू हैव टू क्लासिफाई दैट जुपिटर इज गुड और बैड फॉर यू और नॉट. और एक चीज हमने कहा था कि काक बंध्या के बारे में आपको बता दूं. तो काक बंध्या होता है कि जैसे कौआ अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही बच्चे को जन्म देती है, कौआ दो बार जन्म नहीं देती है, एक ही. तो जब एक बार ही माँ बनने का सुयोग किसी लड़की को मिलता है, ये शारीरिक क्षमता के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं काक बंध्या. यदि एक गर्भ आपने नष्ट कर दिया, आप भूल जाइए इस धरती में जब तक जीवन है आपको दूसरा पुत्र नहीं मिलेगा. आप लाख डॉक्टरी कर लो. तो आजकल फैशन है, शादी ब्याह करते हैं, नौटंकी करते हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं. अरे आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे, मैं तो तैयार नहीं था, धोखे से ये बच्चा आ गया. एंड दे गो फॉर ब्लडी अबॉर्शन. तो जो पाप की सजा देंगे वो तो भुगतोगे, तुम भुगतोगे. लेकिन दूसरी बार फिर मंदिरों की सीढ़ियां आप पटकते रहोगे सर अपने उस सीढ़ियों पर, डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहोगे, साधु संत महात्माओं का चक्कर लगाते रहोगे, संतान नहीं मिलेगा. तो समझ लो जो मैं बोल रहा हूं बहुत छोटी सी टिप्स है, बहुत छोटा सा टिप्स है. और पंडित जी आप लोगों को भी बोल रहा हूं, प्लीज गाइड तो कर सकते हैं अपने यजमान को, नहीं तो बोलेगा पुत्रष्टि जग कराओ, ये करो वो करो ऐसा करो, कृष्ण भगवान के मंत्र का पाठ करो, बहुत आप लोग बोलने लगते हैं. लेकिन पहले ये तो समझ लीजिए कि कितने गर्भ दे सकते हैं उमा. सिंपल, बहुत आसान चीज है, समझ लीजिए. समझने की बात है, कारण कि 12 लग्न में 12 तरह के होंगे. ये समझना ये है कि ये कुंडली है, मान लिया ये कुंडली मैं बना रहा हूं, यही 11 नंबर का है, आज कुंभ की ही बात कर रहा हूं. तो 11, 12, 1, 2, 3 तीन नंबर के मालिक होते हैं बुध, मतलब पंचमेश के मालिक यदि नीच हो जाए तो पंचमेश, यहां पर बुध है तो बुध कहां पर नीच होते हैं? बुध 12 नंबर में नीच होते हैं, 12 नंबर यहां है. तो ये ग्रह बुध पंचमेश यदि किसी के कुंडली में नीच हो जाए, यहां पर बुध है तो यहां पर यदि बुध हो गए तो पंचमेश नीच हो गया. सिंपल बात, पंचमेश नीच है और प्लस उसी में शनि है. शनि शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट विद द नीच प्लैनेट. तो ये बच्ची जिसकी भी कुंडली है वो काक बंध्या कहलाएगी, वो जीवन में एक ही बार गर्भिणी होगी, मां बनने का उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा. आप यदि नौटंकी कर लिए, गर्भ नष्ट करा लिए, गर्भपात कर लिए, दवा खा लिए, हो गया छुट्टी खत्म. अब अगले जन्म का 84 लाख योनि में भगवान कब फिर आपको मां बनाएंगे, देखते रह जाना. तो आज ही तक, इति शुभम, तेहंदो, इनाग्गे जोहार.
कन्या राशि मैंने बोला है, लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं कि बोला नहीं हूं। देखिए वो मैंने अपने आवाज से कहा था, इसलिए आप उसको लोकेट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन बोला था। और कल मीन को यदि बोल दूंगा तो आपका राशि फल के हिसाब से खत्म हो जाएगा। देन आई विल ट्राई टू स्टडी फॉर नक्षत्र सिद्धांत से आई विल ट्राई टू, कारण कि कुछ दिनों में, दो चार दिन में चाहता हूं कि राशि फल भी जो नेचुरल राशि फल है वो बोल दो। कारण कि देखिए उत्तर दिशा में अग्निकांड हुई, सब कुछ हो गया, और आप थोड़ा सा जो न्यूज़ देखते हैं, जैसे हम लोग बहुत सीरियसली न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल ही देखते हैं और कोई सीरियल फिरियल नहीं देखता हूँ। सीरियल देखता हूँ तो एकदम लाइट रिक्शा वाला टाइप का, घुसा घुसी मारपीट वाला जो होता है, जिसमें कोई ब्रेन नहीं लगता है, या कुछ जोक्स होते हैं उस टाइप का, उसमें देखता हूँ। तो आज चाइना के दो हेलीकॉप्टर बॉर्डर पर आ गए थे, आगे क्या हुआ वो खबर दबी हुई है। कारण कि अपने यहां इतने बड़े बड़े घोटाले हो गए, किसी ने कहा था कि मेरे रिजिम में कुछ नहीं हो सकता। अब क्या सत्य है क्या असत्य है वो तो ईश्वर जानते हैं, वो मेरी कंट्रोवर्सी नहीं है, इसलिए कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं। लेकिन ये तो सत्य है कि उत्तर दिशा में बॉर्डर में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो जो हमारे रहनुमा है, प्लीज अपना खुफिया तंत्र इतना स्ट्रांग कर लो कि पहले से सारी जानकारी हो और उनके एक्शन को आप समाप्त कर सको। अब यहां तो चुनरी में ही दाग लगने वाली बात हो गई है, सीबीआई के ऊपर ही सारा दोष मढ़ दिया गया है, वही संस्था भ्रष्ट हो गई है, चुनरी में ही दाग लग गई है, आत्मा कहाँ लेके जाऊं भगवान के पास वाली बात हो गई है। तो भगवान भारतवर्ष की, हमारी माता की रक्षा करें। आज यहीं तक, नमस्कार।